यह आदेश संशोधक विधेयक 2022 पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। इस बिल के द्वारा झारखंड राज्य के अनुसूचित जातियों की सूची से भोक्ता समुदाय का लोप करने के लिए तथा अनुसूचित जातियों की सूची में भोक्ता, देशवारी, गंजू, दौलतबंदी ब्रैकेट में द्वालबंदी, पटबंदी, राउत, मजिया और खैरी ब्रैकेट में खैरी और तमाड़िया, तमरिया और पुरान समुदाय को शामिल करने के लिए बिल लाया गया है। माननीय सभापति जी, मैं जानता हूं कि समय की मर्यादा है, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि आज यह बिल जिन समुदाय को हम देने जा रहे हैं उनको 74 साल के लगातार अन्याय के बाद भारत की किसी सरकार ने उनकी सुध ली है और आज उनके आवाज को मुकाम मिल रहा है, जिंदगी मिल रही है। इसलिए मैं ये जरूर विनती करूंगा हाथ जोड़कर कि आज लाखों लोग अभी टीवी की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं, दिन से फोन आ रहा है, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो मुझे आज उनकी व्यथा इसलिए भी व्यक्त करने दीजिए कि देश को यह जानने का अधिकार है कि 74 साल में 50 साल से अधिक जिन्होंने शासन किया, 58 साल, उन्होंने क्या अत्याचार किए, क्या अन्याय किया। ये कोई इंक्लूजन नहीं है, एक जाति, एक समुदाय जो 1872 के सेंसस से लगातार ट्राइबल कही जाती रही, उसको आपने 1950 के आदेश में छोड़ दिया, उसी की उपजाति को जोड़ लिया और इसको छोड़ दिया। सच कहिए तो मैं सबसे पहले खरवार जाति की जो उपजातियां हैं जिसमें भोक्ता, गंजू, खैरी, देशवारी, ये स्वाधीनता, स्वतंत्रता, स्वाभिमान, संस्कृति और सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक हैं और ये सम्मान और उनकी सहभागिता का बिल है। और मैं इसलिए भी खड़ा हूं कि 28 मार्च अभी गया है, 28 मार्च 1859 को भोक्ता बंसी वीर नीलांबर पीताम्बर जो खरवार बंसी थे, खरवार बंसी वीर भोक्ता बंधुओं को 28 मार्च 1859 को लेसलीगंज में देश की आजादी के लिए संघर्ष करने के लिए फांसी पर चढ़ा दिया गया। और यह वो जाति थी जिसने 1857 के क्रांति से ये लड़ते रहे दोनों भाई। इनको श्रद्धांजलि देने के साथ साथ मैं आज इस देश के सर्वोच्च सदन से नीलांबर पीताम्बर के साथ साथ नकलौट माझी रतन शाह, नारायण कुटकुन शाह, भोजा और भरत, भूखा शाह, शिवचरण मांझी, गणपत मांझी, कुर्तु मांझी, राजा सिंह, मंगू गंजू, ऐसे तमाम सैकड़ों शहीदों को नमन करता हूं और उनको ये विश्वास दिलाता हूं कि आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है और जिसमें जनजातीय मंत्रालय का भाग अर्जुन मुंडा जी ने संभाला है, आज आपको न्याय मिलेगा। ये सामान्य बिल देखने में लगता है, लेकिन इसकी कहानी अगर सुने, मैं सिर्फ समय का अभाव है तो मैं इसका सिर्फ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पढ़ रहा हूं। 10/8/1950 को भोक्ता समुदाय को अलग जाति बनाकर अनुसूचित जातियों की श्रेणी क्रम संख्या 3 पर सूचीबद्ध किया गया। 71 वर्षों से भोक्ता समाज अपने पहचान और अस्तित्व की लड़ाई लड़ता आ रहा है। 5/10/2004 को पत्रांक संख्या 473 झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची के निदेशक द्वारा खरवार जाति को के उपजातियों का अध्ययन करके कल्याण विभाग को प्रेषित किया गया। फिर 2003-2012 में भारत सरकार को आया। फिर 18/12/13 में रजिस्ट्रार जनरल की संस्तुति प्राप्त हुई। 3/12/14 को जनजातीय मंत्रालय ने भोक्ता खरवार पर मांगा और फिर एसटी कमीशन ने, मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि एसटी कमीशन ने इसकी संस्तुति की और एसटी कमीशन के चेयरमैन, क्योंकि मैं आज देख रहा था कि मुझे पता लगा कि झारखंड में जो सरकार में है वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन एसटी कमीशन के चेयरमैन
अभी जो झारखंड में वित्त मंत्री हैं रामेश्वर उरांव जी वही थे, और उन्होंने 3 गांव का अध्ययन किया और उसका मैं संक्षेप में ही नाम लूंगा कि वो लातेहार जिले के 3 गांव में उन्होंने चंदवा ब्लॉक के बसडीहा गांव जो पंचायत हुटाप है इसके साथ चीरो गांव और कालखंड गांव में जाकर स्टडी किया और यह पाया कि सामाजिक स्थिति, जन्म संस्कार, छठी संस्कार, विवाह संस्कार, कन्यामूल, दहेज प्रथा, मरण संस्कार, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और इन सभी जातियों में उन्होंने पाया कि ये सभी जातियां जिनको आज इंक्लूड किया जा रहा है ये खरवार की उपजातियों के अनुरूप हैं। और तो और झारखंड सरकार के भी ट्राइबल कमीशन के चेयरमैन प्रकाश उरांव जी जो 2004 में थे उनसे भी 31/7/14 को आदरणीय रामेश्वर उरांव जी जो एनसीईआरटी के चेयरमैन थे वो मिले और उन्होंने भी पूरा संस्तुति दी कि इसको शामिल करना चाहिए और आज इसको शामिल किया जा रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये गलती हुई है इसलिए कि मेरे हाथ में सेंसस ऑफ बंगाल 1872 है, क्योंकि समय का अभाव है इसमें हर जगह उल्लेख है, यहाँ बहुत साफ साफ लिखा गया है कि खरवार और उनकी जनसंख्या और खास करके भोक्ता किस तरह से भारत के हर कोने में थे, खास करके जो बंगाल का प्रोविंस है। और उन्होंने लिया साफ साफ लिखा है कि भोक्ता जो हैं वो बड़ी संख्या में रह रहे थे हजारीबाग जिले में, मानभूम में, पलामू में। इसके साथ साथ मैं ट्राइब्स एंड जो बंगाल का एक एचएच रिसले का जो आया है वॉल्यूम 1 है जो 1892 का, उसमें एक चार्ट दिया हुआ है माननीय सभापति जी, क्योंकि हमारे मित्र निकल गए, इनको पता ही नहीं है कि बंगाल में हर जगह चाहे वो बर्धमान हो, बांकुरा हो, बीरभूम हो, मिदनापुर हो, हुबली हो, हावड़ा हो, 24 परगना हो, नादिया हो, मुर्शिदाबाद हो, रंगपुर हो, दार्जिलिंग हो, लोहरदग्गा, हजारीबाग, सिंहभूम, मानभूम, ये सारे बंगाल में आते थे और हर जगह भोक्ता की आबादी और बाकी की आबादी है। और इसको लगातार खरवार का ट्राइबल माना जाता रहा और उसके बाद भी इसको सवाल उठता है कि इसको आपने सूची में क्यों नहीं शामिल किया। मेरे हाथ में खरवार भोक्ता समाज विकास संघ ने जो लगातार मांग किया है उनका कहना था कि दुर्भाग्यवश भोक्ता समुदाय के लोगों का हिंदू धर्म में आस्था रखने और ईसाई धर्म में धर्मांतरण नगण्य होने के कारण उनको जानबूझकर सूचीबद्ध किया गया, क्योंकि जो अंग्रेजों की नीतियां थी वही नीतियां अब तक चलती रही। अन्यथा क्या कारण है कि खरवार समुदाय स्पष्ट रूप से बिहार गजट हजारीबाग में यह साफ लिखा हुआ है कि भोक्ता ये ट्राइब्स हैं, बहुत साफ साफ इसमें लिखा हुआ। उसके बाद पलामू द बिहार गजटियर बाय पीसी राय चौधरी, इन्होंने साफ लिखा है कि टिल द रिसेंटली इट इज, इन्होंने लिखा है सर कि इट इज पिकुलियर डेट वाइल द ट्राइबल्स इन सम अदर छोटा नागपुर डिस्ट्रिक्ट हैड बीन स्टडीड, द ट्राइबल्स ऑफ पलामू डिस्ट्रिक्ट डिड नॉट अट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ अटेंशन फ्रॉम द एंथ्रोपोलॉजिस्ट। चूंकि पलामू के वीर भूमि लगातार लड़ते रही और उसने विदेशी आक्रांताओं के सामने, चाहे मुस्लिम मुगलों का भी आक्रमण हुआ, अंग्रेजों का भी आक्रमण हुआ, उन्होंने धर्मांतरण से इनकार कर दिया इसलिए उनको सुविधा नहीं मिली। अन्यथा इसमें तो साफ साफ उन्होंने कहा है कि 1857 का बहुत लंबा इतिहास है, चूंकि आप समय नहीं दे रहे हैं तो मैं नीलांबर पीताम्बर को किस तरह से संघर्ष करना पड़ा 1857 से 1859 तक, एक ट्राइबल समूह का 2 नौजवान बालक जिसने कुंवर सिंह की सेना के साथ मदद करके कुंवर सिंह के मरने के बाद भी 59 तक लगातार लड़ाई लड़ी और अंत में 28 मार्च को उनको पकड़ा अंग्रेजों ने और बिना किसी सुनवाई को उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसलिए इसको लगातार उपेक्षा इसलिए किया गया कि इनके मरने के बाद भी वहां ये आंदोलन रुका नहीं। और
बहुत मार्के की बात यह है कि सभी इतिहासकारों ने माना कि पलामू में जो आंदोलन हुआ, पलामू में जो स्वतंत्रता का संग्राम हुआ, वह सिपाहियों का सिर्फ संग्राम नहीं था, बल्कि उसमें आम जन की भागीदारी थी, आम लोगों ने उसमें पार्ट लिया और इस तरह से ये लगातार चलते रहा। और इसीलिए पलामू गजेटियर में जो उल्लेख है डॉक्टर एच ई सेंडर का जो फाइनल रिपोर्ट सर्वे एंड सेटलमेंट ऑपरेशन ऑफ द पलामू गवर्नमेंट स्टेट पब्लिश्ड इन 1898, इसमें बहुत साफ कहा है कि खरवार ऑफ पलामू आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लान और सब कास्ट वाइज सूरजवंशी, दौलतबंदी, पटबंदी, खेरी, भोक्ती, गंजू, मजिया, ऑल ऑफ काउंट देमसेल्फ अमंग द 18,000 और 18,000 खरवार। मैं इसलिए ये सुना रहा हूं कि अभी के सुरेश जी ने कहा कि हम जो है वोट बैंक के नाते इसको ला रहे। अरे आपने जो अन्याय किया है, आपने जो गलती की है, हम उसको सुधारने के क्रम में हैं। मेरे पास उसके साथ ही साथ झारखंड इतिहास और संस्कृति इसके पेज मैं तुरंत दो चार मिनट चाहूंगा। इसके पेज संख्या 533 पर डॉक्टर वीर विरोत्तम ने लिखा है कि डाल्टन के अनुसार खरवार उपजात चार उपजातियों में विभक्त थे, भोक्ता, मांझी, राउत और महतो, किंतु संडर ने उन्हें 6 उपजातियों में विभक्त बताया, दुआ सादी, पातबंदी, खेरी, भोक्ती, गंजू, मांझी। इन सबों में भोक्ता सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। ये अंतर्विवाही उपजातियां बाही विवाही गोत्रों में बटी हुई थी। रिसले ने ऐसे 75 योग पवित्र धारण करने वाले खरवार सगाई विवाह नहीं करते थे। धार्मिक कृत में वो ब्राह्मण पुरोहितों की सेवा लेते थे, किंतु बलि चढ़ाने के लिए जनजातीय पाहन अथवा अनुसूचित बैगा की सहायता ले जाती थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे समय चाहिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ लोग जो कहते हैं कि हिंदू ट्राइबल कैसे हो गया, तो ये वो जाति है जो दोनों प्रथाओं के बीच, दोनों के बीच समानता स्थापित करती है। और मैं एक बहुत पुरानी घटना, बार बार अधीर जी और ये कहते हैं कि आप लोग पुरानी चर्चा करते हैं, अरे आपने इतने मुर्दे गाड़ रखे हैं जो समय समय पर भूत बन के खड़े होते हैं और वो आपको डराते हैं और आप चिल्लाते हैं। मैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करना चाहता हूं। द एससी एंड एसटी ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 1967, मेरे पास मेरे हाथ में कंपोजिशन है। इस बिल को लेके जेपीसी बनी और 30 लोगों की कमेटी बनी, चेयरमैन अनिल कुमार चंदा कांग्रेस के बंगाल से और 30 में 21 लोग कांग्रेस के सदस्य, झारखंड से कार्तिक बाबू। इस कमेटी ने क्या कहा ये जानना जरूरी है, जो हिंदुत्व की बार बार चर्चा करते हैं उनके लिए। द कमिटी आर ऑफ द ओपिनियन डेट नो पर्सन हु हैज गिवन अप द ट्राइबल फेथ और फेथ्स एंड हैज इम्ब्रेस्ड क्रिश्चियनिटी और इस्लाम शुड बी डिम टू बी मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। अमेंडमेंट टू बी शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर हैव बीन मेड अकॉर्डिंगली। ये साफ कह रहा है जेपीसी, और इसमें एक भी डिसेंट नोट नहीं है सभापति जी। और ये कहता है कि कंडिका 2 में निहित किसी बात के होते हुए कोई भी व्यक्ति जिसने जनजाति आदि मत अथवा विश्वासों का परित्याग कर दिया हो और ईसाई या इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया हो, वह अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं समझा जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की जेपीसी सरकार की नहीं है, यह श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार की जेपीसी थी। और इस पर जब बहस हुआ, बहुत दुख की बात है, मैं आप चूंकि समय का अभाव है आप बोलने, मैं ये इतिहास में कहने वाला हूं और मैं आपके माध्यम से यह मांग करने वाला हूं। मुझे नियमों की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपके माध्यम से मांग करने वाला हूं कि 1967 की जेपीसी रिपोर्ट जो पार्लियामेंट में बहस हुई है, इस पर अगर नियम प्रावधान होता है तो इस पर फिर से चर्चा कराने की जरूरत है। यह समय की मांग है, क्योंकि यह पाप किया गया है। एक जेपीसी जिसने
रिकमेंडेशन दिया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं कोट करना चाहता हूं कि बड़ा अच्छा हमारे नेता सूरज भान जी का ऑब्जर्वेशन है, मैं थोड़ा सा समय बस जी इस जेपीसी की चर्चा करके और मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। अध्यक्ष जी मैं जानता हूं कि समय का अभाव है लेकिन नहीं काफी समय हो गया आप बोलते हुए आपको सर ओम प्रकाश जनसंघ के उन्होंने कहा कि एक राजनीति इस देश में चलाई जा रही है, एक षड्यंत्र भी चल रहा है, न मालूम आगे क्या मांग होगी। धर्म परिवर्तन के खेल के साथ यह ज्यादा खतरनाक खेल है और आगे इसी में सूरज भान जी ने जो कहा है वो जरा बड़ा आश्चर्य आप सुनिए। उन्होंने कहा है कि मैं आपके सामने एक पॉइंट और रखना चाहता हूं, इस पार्लियामेंट में यह रिवाज है, वो रिवाज आज भी है, यह रिवाज है कि ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आमतौर पर यूनोमिसली या थोड़े बहुत संशोधनों के साथ मंजूर कर ली जाती थी, लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह रिपोर्ट तो सिर्फ 159 पेज की है लेकिन उस गवर्नमेंट की तरफ से 234 अमेंडमेंट पेश किए गए जो कि उस रिपोर्ट से भी ज्यादा है। और उन्होंने आगे कहा कि इस ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट पर यदि एक धब्बा लगता तो किसी सुंदर चेहरे पर तिल की तरह उसे हम अच्छा समझ सकते थे, लेकिन यहाँ तो गवर्नमेंट के ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के चेहरे पर कालिक पोत दी है और सारी रिपोर्ट खराब कर दी है। मैं आशा करता हूँ कि गवर्नमेंट इंसाफ करेगी और ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी की इस रिपोर्ट को एज इट इज मान लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं अंत में ट्राइबल नेता जो कांग्रेस के हैं कम से कम उनको मुझे कोट करने का अवसर जरूर दे। मैं विनती कर रहा हूं कि ये एक ऐतिहासिक पल है, लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि क्या हुआ है इस देश में और कैसे सरकारें चली हैं। उन्होंने सर थोड़ा समय महत्वपूर्ण बिल है इसलिए उन्होंने ये कहा है कि आई मस्ट से डेट हैव यू गॉट इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल ऑफ इंडिया इन द हार्ट, यू हैव प्रोग्रेसिव पॉलिसी एंड वांट टू हेल्प डाउन थ्रोडन पीपुल, यू मस्ट विदड्रॉ योर अमेंडमेंट। ये कांग्रेस के सदस्य कर रहे हैं। अदरवाइज आई विल हैव टू टेल यू ट्रबल विल बी क्रिएट। और इतिहास गवाह है कि देश के सभी ट्राइबल क्षेत्रों में उग्रवाद का जन्म हुआ, ये उन्होंने उस समय कहा। अध्यक्ष जी थोड़ा सा मुझे 2 मिनट का समय प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उन्होंने साफ साफ कहा है, पता है अभी सर कुछ चीजें उन्होंने कहा है कि व्हेन आई एम ट्राइंग टू फाइट फॉर दिस राइट आई कैन नॉट गेट आंसर, इट इज माय ड्यूटी एंड इट इज माय राइट टू फाइट फॉर इंडिपेंडेंस एंड गवर्नमेंट फॉर नॉट हियरिंग। इसलिए अध्यक्ष जी इन बातों को मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये कहना बहुत जरूरी है। और शिवचरण जी ने कहा कि ये सब शिवचरण झा जो बिहार से थे उन्होंने कहा कि इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन सब नेताओं के कहने के बावजूद ये संशोधन नहीं स्वीकार किया गया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि उस हाउस में कार्तिक उराव ने गुहार लगाई और इस जेपीसी के सपोर्ट में जो पत्र लिखा श्रीमती गांधी को उसमें 342 एमपी सर एक मिनट सर विनती कर जी जल्दी करिए 342 एमपी ने कार्तिक उराव के पक्ष को समर्थन किया, जेपीएससी समर्थन में थी लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने नहीं माना। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी मैं अपनी बात को पूरा समाप्त करते हुए मैं सिर्फ थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कंक्लूड जरा एक सेकंड जी प्लीज कंक्लूड सर। मैं इसलिए यहाँ कोट करना चाहता हूँ कि हिंदू शब्द कभी भी मत मजहब पंथ के कर्मकांडों से संबंध नहीं रखता है अपितु इस सनातन राष्ट्र की सदियों पुरानी भू सांस्कृतिक अवधारणा जियोपॉलिटिकल जियो कल्चरल कंसेप्ट है और जिसकी परिधि में भारत में जन्मे समस्त पंथों और विश्वास का समावेश है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे जीवन पद्धति कहा है।
इसलिए मैं अंत में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अर्जुन मुंडा जी ने प्लीज बी ब्रीफ थ्री मिनट्स जी वनकम चेयरपर्सन थैंक यू फॉर